कोटा शॉप हां ते कने पेटीएम कने पेटीएम कोटा शॉप केड़ा ऐप है एदी चाहे डायमंड आंदे आ उसी डायमंड ते दे सूट आए थे के दे अच्छा ते पैसे केदे च कटोए हे ओ भी फोन पे से बनाई दी अच्छा या ट्यूशन जाओ हॉस्टेज डाउन तो हेलो गाइस वेलकम टू वीडियो बजट गेमिंग। तो भाई जैसे कि आप जानते होंगे और तुम भी अपने आगे पीछे देखते होंगे कि आजकल भाई काफी ज्यादा आग की तरह भाई ये खबरें फैल रही हैं, फ्री फायर में बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, फ्री फायर में बहुत ही ज्यादा भाई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बिना बताए भाई टॉप अप कर रहे हैं गेम भाई, जिससे भाई एक किस्म की भाई चोरी कर रहे हैं अपने घर वालों से बिना बताए बिना पूछे भाई उनके पैसे उड़ा रहे हैं, खून पसीने की मेहनत करके भाई एक एक रुपया कमा के जोड़ रहे हैं या उन्हें रखे हुए हैं, तो भाई उसके बच्चे जो है वो बिना बताए उनको भाई ऐसे टॉपअप वगैरह कर रहे हैं या वीकली मेंबरशिप ले रहे हैं या गेम में भाई कुछ चीजें खरीद रहे हैं। तो भाई पहले तक तो मैं इन सब चीज़ों को भाई सुन रहा था, प्रोसेस कर रहा था, बट अब जब अपने आगे पीछे हो रहा है तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं तुम सबके बारे में सामने ये चीज़ें बातें रखूं, और भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है, तुम सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने माँ बाप की कंडीशन समझो। अगर भाई तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो पीछे से या भाई तुम भी गेम से भाई पैसे वगैरह कमा रहे हो तो बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो भाई ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरा कोई फ्रेंड है या उसके भाई रिलेटिव्स में या ऐसे कोई आगे एक चीज़ हुई है कि भाई 13-14 साल का बच्चा था एक, जो कि फ्री फायर खेलता था काफ़ी ज़्यादा, तो उस अपनी मदर के जो खुद ही अर्न कर रहे हैं अब खुद के लिविंग के लिए, वो अपने बच्चे उस लड़की के लिविंग के लिए, तो उसने भाई 15,000 लगभग 15,000 की ट्रांजेक्शन भाई फ्री फायर में कर दी है UPI के थ्रू, और प्ले स्टोर की भी भाई उसकी ट्रांजेक्शन वगैरह चेक करी थी मैंने, तुम अपनी स्क्रीन भी देख सकते, तो भाई प्ले स्टोर से इतनी ज़्यादा नहीं है पर प्ले स्टोर से भी उसने काफ़ी ज़्यादा कर UPI से सबसे ज़्यादा कर लिया, तो लगभग 15,000 रुपये वो महीने के अंदर उड़ा चुका है, और तुम भाई तो सिर्फ अपने अकाउंट में कुछ भी ऐसा नहीं खरीदा है, सिर्फ ये डब्लू की स्किन अच्छी है और भाई ये फीमेल बंडल और एक स्ट्रीट बॉय बंडल लिया उसने, उसने ज़्यादातर पैसे के 6-7 हज़ार रुपये सिर्फ बैजेस खरीदने पे लगाए क्योंकि उसने अभी तक अपना कोई भी एक मिशन तक नहीं करा भाई, सारे लाइट पास के बैजेस और भाई क्रेडिट्स खरीद के बैठा हुआ है। तो भाई तुम समझ सकते हो उसने एक ट्रांजेक्शन भाई BGMI में भी करी हुई है, तो भाई फ्री फायर पबजी या कोई भी ऐसा ऑनलाइन गेम हो तो अगर तुम भाई इसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भाई वो ट्रांजेक्शन भाई अपने घर वालों को बता के करो, उनसे पूछ के करो भाई, बिना पूछे तुम उनके मेहनत के कमाई के पैसे उड़ा रहे हो भाई, ये चीज़ें सही नहीं है। और भाई मैं यहाँ पे बड़े यूट्यूबर्स को भी बोलना चाहूंगा इन बातों पे भाई मुद्दा नहीं बना रहे और भाई इन बातों का भाई कहना नहीं चाहते अपनी वीडियो में कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, भाई बच्चे जो है वो बड़ों को देख के सीखते हैं ठीक है, तो यूट्यूबर्स को देख के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स अनबॉक्सिंग कर रहे हैं चीजों की, गन क्रिएटर्स खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नए नए बंडल खरीद रहे हैं, हर चीज खरीद रहे हैं, पर मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत करें भाई, उनको पैसे मिल रहे उन चीजों के वो उनकी चीजों को प्रमोट करेंगे करेंगे, पर तुम जो बच्चे उनको देख रहे हैं उनको फॉलो करें उनके जैसा बनना चाहते हो पहले उनके जैसा अर्न तो कर लो, अगर वो 1 लाख गेम में लगा तो भाई 10 लाख गेम से कमा रहे भी हैं, पार्टनर प्रोग्राम में बैठे हैं वहां से उनको फ्री ड्रेसेस आ रही है और भाई वहां से उनको इनकम भी आती है मंथली या एयरली जिस हिसाब से भी भाई उनका एग्रीमेंट है, भाई वो यूट्यूब से भी इनकम कमा रहे, तो भाई उनका गेम में पैसा लगाना बनता है, क्यों बनता है भाई वो यूट्यूब से अर्न नहीं कर रहे उस गेम के थ्रू, पर तुम उस गेम के थ्रू अर्न नहीं कर रहे, तुम्हारे माँ बाप भाई खून पसीने की मेहनत करके भाई कोई धूप में लगा कोई कैसे लगा कोई कैसे अर्न करे कोई कैसे अर्न करे, तो भाई उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाई अपने गेम में परचेजेस करो या उनसे कोई चीज मांगो गेम के लिए, यहाँ से भाई पढ़ाई पे ध्यान दो बन जाओ ऐसे बन जाओ उनके जैसे बनना तो सही पहले, अगर उनके जैसे परचेजेस करना चाहते हो तो उनके जैसे बनना तो लो उनके जैसे आधा ही बन लो, अगर वो 10 लाख कमा रहे हैं तो भाई 5 लाख कमा के 2 लाख गेम उड़ा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख तुम बचा लोगे, पर अगर तुम्हारी इनकम ही कुछ नहीं हो तुम घर वालों का ऐसी तरह से पैसे उड़ाओगे तो ये बात बहुत गलत है यार, आजकल के बच्चों में ये समझ होनी चाहिए भाई, हमारे टाइम में तो हमें पता नहीं था ये गेम्स थी या नहीं थी, जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया मैंने कभी परचेज ना करा, मैंने अभी करना स्टार्ट किया क्योंकि भाई अब मेरे को सोर्स है कि हाँ मैं इस गेम से अर्न कर सकता हूँ, मेरा भाई चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर 2 महीने बाद 4 महीने बाद या लगभग भाई 1 साल ही लगा लो, 1 साल के बाद मुझे इनकम आएगी ही आएगी यूट्यूब के थ्रू, कितना आएगा क्या आएगा भाई थोड़ा ही आएगा, पर मेरे को पता है मैं यूट्यूब से अर्न कर सकता हूँ क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और मैं भी नहीं जानता कि मैं कब तक ये चैनल कंटिन्यू करूँगा, अगर कल को भाई मेरा जॉब लगता है कोई अच्छी वाला या फिर भाई मेरे स्टडी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब को, तो मुझे भी यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा, मुझे गेम तक छोड़ना पड़ सकता है, तो तुम्हारे लिए भी जब करियर और गेम के बीच में चुनना पड़ेगा तो तुम भी करियर चुनोगे ना यार, गेम पे थोड़ी ना बेटर होगा अगर तुम्हारा अर्निंग नहीं हो रहा गेम से, तो तुम ये थोड़ी करोगे हाँ 2 साल और देख लेता 3 साल और देख लेता, तो ये चीज़ें नहीं होती भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, अपने माँ बाप का पैसा ऐसा गेम में मत जाया करो, अगर भाई तुम बहुत ही रिच हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी, अगर तुम मिडिल क्लास या गरीब घर से और वो तुम्हें फोन अफोर्ड करके दे रहे हैं और तुम्हें डाटा करा रहे हैं कि हाँ भाई हमारा बेटा चल गेम ही खेल रहा है कुछ गलत नहीं कर रहा, तो भाई अगर तुम बिना पूछे उनके पैसा गेम में उड़ाए तो भाई बहुत गलत कर रहे हो, अगर तुम अपना पॉकेट मनी भी गेम में उड़ा रहे हो भाई वो पर्सनल खर्ची मिल गई है थोड़ा बहुत तुम उड़ा सकते हो पर तुम सारा उसमें डाल रहे हो भाई वो भी गलत, तो एट लास्ट
एट लास्ट भाई मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा, और ये अकाउंट मेरे पास उनके थ्रू आया गया है कि मेरे किसी नोन ने भाई उनके उनसे लेके मुझे दिया गया कि ज़रा देखना इसमें ऐसे क्या परचेज़ किया भाई। इसने बिन मतलब के पैसे गेम में वेस्ट करे हैं भाई, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। और भाई ये अकाउंट सेलिंग के लिए आया, अगर भाई हो सके तो तुम में से कोई भी भाई आगे आके उनकी हेल्प करना चाहते तो वो भी कर सकता है, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर इंस्टाग्राम पर या DC पे आके। तो भाई मैं जहाँ तो भाई हेल्प तो कोई नहीं करने वाला, क्योंकि भाई मेरी नहीं करते तो उनकी कौन हेल्प करेगा। तो मैं इतना बोल सकता हूँ अगर कोई भी तुम्हारे नोन में जो अकाउंट परचेज करना चाहता है जिसे ये ड्रेस अच्छी लगती है गर्ल फीमेल का या भाई स्ट्रीट बाय वंडल, तो भाई मैं ये नहीं बोलता इसकी इन्वेंटरी बहुत बड़ी है तो मुझे वो 15,000 ला के दे दो भाई, तो मुझे 4-5 हज़ार तक भी ये आइडिया के बिकवा देते तो भाई बहुत ही बढ़िया। उन्होंने बोला अगर तुम 2,000 की भी बेच देते हो ये आईडी भाई मैं उसमें भी चलेगा, हमें थोड़ा बहुत ही पैसा वापस आ जाए तो वही बढ़िया है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसको भी अकाउंट चाहिए वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें, इंस्टाग्राम पे आके पूछ ले या वो, तो मैं आईडी के तुम्हें प्राइस बता दे दो भाई, 3-4 हज़ार तो कम से कम उनको थोड़ा सा रिफंड हो जाए, उनके भी थोड़ी मदद हो तो जाए। भाई मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, और भाई अगर तुम भी ये सब करो तो भाई बंद कर दो यार, तुम्हारे माँ बाप बहुत ही मेहनत से तो ये पैसा वगैरह कमाते हैं तो ऐसा मत करो उनके साथ। अगर भाई तुम्हारे आगे पीछे ये सब हो रहा है उनको रोकने की पूरी कोशिश करो। देखो और भाई मैं माँ बाप से भी ये भाई रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों का मोबाइल जरूर देखें, वो फोन में क्या करें क्या नहीं करें, किस तरह से करें और किस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, और ये चीज़ें बंद कर दो अगर कर रहे हो तो।